तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टू साइड ESP। तो गाइज सॉरी बोल देना चाहता हूँ मैं आपको कि लास्ट वीडियो में मैं म्यूजिक कम करना भूल गया गाइज, ऐसे क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा था भाई, तो मेरा दिमाग मतलब भयंकर तरीके से हिल गया था। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा आपको बैकग्राउंड आवाज आएगा, पर थोड़ा इग्नोर करो, मैं बाहर हूँ पर वीडियो बनाना जरूरी है। तो गाइज यहाँ पर फाइनल रिएक्शन मिल चुके अपने टीम लीड हेडसन प्लेयर सबके ओर से, अपने को फाइनल रिएक्शन मिल चुके, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो गाइज फाइनली उन्होंने जो मतलब पूरे स्पोर्ट क्रिएटर जितने भी थे उन्होंने आपको एक ही बात बोली थी और मैंने भी वही बात बोली थी कि मोटिवेट करते रहो, तो फाइनल रिएक्शन में वो बात झलक हुई है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइस पहले आपको मैं जॉन्टी भाई का रिएक्शन दिखा देता हूँ। गाइस यहाँ पर मैच के बाद बोला है थैंक यू सो मच गाइस, मतलब एवरीवन, एंड गाइस आपने बहुत पॉजिटिव मैसेज भेजे और हमें मोटिवेट किया। तो गाइस बोला है कि नेक्स्ट टाइम चैंपियन जरूर बनेंगे, तो वो होप दे रहे गाइस कि हमारे कुछ गलतियाँ हुई है तो उसको सुधार कर हम चैंपियन बनने के लायक है। और गाइस वो रिकॉर्ड भी हासिल कर चुके, इंडियन मतलब पहली टीम बन चुकी है जिसने इंटरनेशनल लेवल पे बुया किया है विद इन अंडर प्रेशर ऑफ 1.35 करोड़ पीपल्स। तो गाइस ये बहुत ही बड़ी बात है। तो अभी दिखा देते गाइस अपना किलर भाई, जो कि अपने रशर भाई और इंडिया के सबसे बड़े रशर का ओपिनियन। यहाँ पर किलर ने बोला है कि तुम्हारा भाई खेलता ही अलग है, इंडिया बेस्ट है भाई, अगली बार पक्का, चलो अब से नेक्स्ट टूर्नामेंट की प्रैक्टिस शुरू और नेक्स्ट टूर्नामेंट में अपन चैंप बन के जरूर दिखाएंगे ही। तो गाइज यहाँ पर दोनों का फाइनल रिएक्शन आ चुका है, होपफुली गाइज आपने अच्छा सपोर्ट किया। टीम लीड जो कि 8 पोजीशन पर आए उन्होंने अपना बेस्ट दिया और लास्ट मैच का जो बुआ था गाइज, तो वो गाइज गोल्डन वर्ड्स में लिखना चाहिए भाई। तो गाइज इतना ही था आज के वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ गाइज यार लाइक कर देना और 4K सब्सक्राइबर आज हो जाने चाहिए यार प्लीज गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।